नमस्कार, इंडिटैप न्यूज में आपका स्वागत है। अनिल तिवारी कोठेदार होंगे सम्मानित। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में हल्दी थाना क्षेत्र अंतर्गत बहादुर के कोठेदार अनिल तिवारी ने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की राशन सामग्री लगातार वितरण करते रहे। अनिल तिवारी कोठेदार सम्मानित होंगे। अनिल तिवारी कोठेदार मीडिया से बातचीत में कहा कि हम काम ईमानदारी से करते हैं, अब सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार हम लोगों के साथ क्या करती है। जनता की सेवा करने के लिए राशन लोगों के अंदर आपने वितरण किया, क्या उस समय का क्या डर था आपको? आप लोग डर तो सभी के अंदर था, लेकिन जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश हम लोगों को दिया गया, हम लोग प्रयास किए कि अपना 100% दें और उसमें हम लोग सफल भी हुए हैं। चाहे डोर टू डोर टीकाकरण हो या कोरोना के जो पेशेंट मिले उनके साथ उनको हॉस्पिटलाइज करना, गांव में छिड़काव करना, हमारे गांव के प्रधान जी जे थे और सोनवानी हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी जो भी थे, सभी लोग अच्छा समर्थन किए और हमारे सप्लाई विभाग से भी हर चीज़ का सुविधा दिया गया ताकि आप लोग जनता की सेवा कर सके। हमें भी जानना चाहते हैं आपसे, आप आर्मी में भी रहे हैं जी, आपने क्या देश का सेवा किया आपने जी सर, और कुछ कोटेदारों के गिने चुने लोगों के भैया से नाम जा रहा है सम्मान करने जी, जिसमें आपका भी नाम वहाँ लिखा गया है जी, तो इसमें आपको क्या करना? सर हम तो अपना कर्म किए हैं, फल मिल देना ईश्वर के हाथ में है, तो हम लोगों ने फील्ड के अंदर अपना जो हमें वर्क दिया गया हमने प्रयास किया उसको करने के लिए। अब आगे अच्छा हम लोग कार्य किए या बुरा कार्य किए ये तो जनता और अधिकारियों के नज़र में है सर, हमने तो अपना अच्छा करने का प्रयास किया है। जिस तरह चल रहा है भाई, कुछ लोगों को बुलाकर उनको सम्मानित करने की तैयारी चल रही है, उनको अवार्ड सम्मानित किया जाए, पुरस्कार दिया जाए, अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि काम के बदले वो क्या इनाम देती है, तो सरकार के ऊपर निर्भर है सर। हमने तो अपना कर्म किया है, अब नंबर आता है सरकार का कि जो कोरोना काल के अंदर जितने भी कोटेदार हमारे बलिया जिला के नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के खास करके सभी ने अच्छा कार्य करने की कोशिश किया, हम लोग लीडरशिप में हैं तो हम लोगों ने यही प्रयास किया कि हर एक जनता को जिसका जो अधिकार है वो मिले, जो भी शासन की मंशा थी हम लोग कोशिश किए उस पर खरा उतरे। ये आगे भी रहेंगे आप लोग? हम लोग आगे प्रयास हम लोग यही रहेगा कि जिस तरीके से संस्था चल रहा है इसी तरीके से आगे भी चले, और हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि किसी के बोलने से आप न देखें, आपको ग्राउंड में जो दिख रहा है उसके ऊपर कार्य किया जाए और कोटेदारों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए।